तो पॉइंटर का नोटेशन क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने int लिखा इंटीजर i इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी में इस मेमोरी लोकेशन का नाम है i, इसके अंदर आपने तीन वैल्यू लिखी। अब हम मेमोरी में जा रहे हैं, प्रॉपर हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, अब हम कंप्यूटर के पार्ट पे जा रहे हैं जहां पर हमारा ये काम हो रहा है। हम प्रोग्राम को देख रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे इंटरनली काम कर रहा है। ये मेमोरी लोकेशन है, ये कोई भी हेक्साडेसिमल में इसका मेमोरी लोकेशन हो सकता है, राइट। अब इस मेमोरी लोकेशन में आपने तीन रखा, इसका नाम है आई, तो ये लाइन क्या बोलती है, ये सी को बोलती है कि एक मेमोरी मेरे लिए दे दीजिए जो इंटीजर वैल्यू रखने वाली है, इसके साथ एक नाम रख दीजिए आई, ताकि मैं इस आई नाम से पहचान सकूं, जहां जहां मेरे पास आई होगा, जहां आई होगा वहां मैं तीन की वैल्यू रखना चाहता हूं, और इस लोकेशन पे तीन रख दीजिए। अब जैसे इंटीजर है, मान लीजिए दो बाइट लेना, तो दो बाइट की लोकेशन हो गई, इसकी जगह होगी दो बाइट। अब क्योंकि मेमोरी की बात कर रहे हैं तो पता भी होना चाहिए, दो बाइट हो जाएगी। अब इसको हम मेमोरी मैप पर कैसे देखेंगे, ये लोकेशन का नाम हो गया, ये इस लोकेशन में आपका वैल्यू हो गई, और ये लोकेशन नंबर हो गया। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये एक्चुअली में तो हेक्साडेसिमल में होता है, तो ये आपका नंबर हो, कोई एड्रेस मान लीजिए इसका। जैसे आपका घर है, आपके घर में आप रहते हैं, है ना, आप रहते हैं, इस घर का नाम होगा कोई श्याम कुटीर, ऐसा नाम हो सकता है, या कुछ पैलेस का नाम लिख सकते हैं आप, कुछ पैलेस रख दीजिए, विवांता पैलेस, है ना। लेकिन इसका एड्रेस भी तो होगा, जैसे मान लीजिए 5/2 दिलशाद गार्डन न्यू दिल्ली, ऐसे कुछ हो सकता है, ये नाम एड्रेस हो सकता है, यही एड्रेस है ये 65525। अब जगह हो गई, मेमोरी हो गई, और मेमोरी का नाम हो गया, और उसका एड्रेस हो गया। जो वेरिएबल मेमोरी एड्रेस रखेगा उसे ही हम पॉइंटर कहते हैं। अगर आप int i equal to 3 दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे i प्रिंट कराइए, तो आप सिंपल i यहां देंगे, वैल्यू ऑफ i परसेंट ही देंगे। आप अभी तक ये सीख चुके हैं कि मुझे i प्रिंट कराना है, तीन वैल्यू प्रिंट कराना है, तो मैं ऐसे प्रिंट करा दूंगा। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि ये i है, यहां पर तीन है मेमोरी लोकेशन में, ये किस एड्रेस पे है, इसका एड्रेस नंबर क्या है, एड्रेस वैल्यू क्या है, इसको प्रिंट कराना है, तो आप आई के आगे एम्परसेंट लगाएंगे। एम्परसेंट आई का मतलब होता है, आई के आगे जो एम्परसेंट लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि एड्रेस, जहां भी एम्परसेंट लग जाए वेरिएबल के आगे, इसका मतलब है एड्रेस। तो आई का एड्रेस आप दिखाना चाहते हैं, और क्योंकि ये एड्रेस जो है, जैसे मैंने बताया, इसको अनसाइन में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू इस तरीके से होती है जो आपको अनसाइन में देनी पड़ेगी। ये वैल्यू ये नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कोई ऐसी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, क्योंकि आपकी मेमोरी में किसी भी जगह पर आई जाके स्टोर हो सकता है, तो ये वैल्यू वेरी करेगी, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ये हमेशा आपको अलग अलग दिखाई देगी। तो एड्रेस जो है, इस ये जो एड्रेस हो गया ना 5/2 दिलशाद गार्डन, वो आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। तो ये एम्परसेंट आपको क्या दिख रहा है, इसका मतलब होता है, एम्परसेंट का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ आपने क्या किया, एम्परसेंट क्या आ गई, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई, और आपने यहां पर किया परसेंट यू, परसेंट यू, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अनसाइंड इंटीजर में आएगा, कोई अनसाइंड वैल्यू आपकी आने वाली है, तो इसलिए परसेंट यू दिया। जैसे हम स्कैनएफ में करते थे, स्कैनएफ में करते क्या थे, स्कैनएफ में चाहते थे कि जो भी वैल्यू आई वो किसी एम्परसेंट किसी एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए, तो स्कैनएफ के अंदर भी तो हम एम्परसेंट देते थे। एम्परसेंट का सीधा मतलब था कि हम चाहते हैं कि हम क्या दें, क्या दें, एड्रेस वैल्यू। अब स्टार इसको देखिए, क्योंकि ये चीज जो है ना ऑपरेट इसके साथ बहुत यूज होने वाली है। ये जो स्टार है, ये स्टार अगर हम लगा दें आई के सामने, तो ये हमें बताएगा दी वैल्यू, अगर आई पॉइंटर है तो दी वैल्यू विच इज पॉइंटेड बाय दिस आई, यानी कि जैसे हम स्टार लगाएंगे तो ये आपको वैल्यू उठा के देगा। जैसे आपने कहा आई ये है और ये तीन है, इसका एड्रेस है 655, कुछ भी आप रख लीजिए 63 कर दीजिए, ये एड्रेस है। आप कहना चाहते हैं कि मैंने एक एक पॉइंटर लिया पी, वो पॉइंटर जो है वो ये वैल्यू रखेगा, पॉइंटर के पास हमेशा एड्रेस होता है, इस पॉइंटर के आगे मैंने एक स्टार लगा दिया, तो ये अब ये पॉइंटर के आगे स्टार लगाने का मतलब, अब मुझे आप इसकी वैल्यू बताइए जो आई पे, तो तीन आएगी। इसका बहुत ध्यान से आप आउटपुट देखिए, इंटीजर आई इक्वल टू 3, आपके पास एक जगह है,
आई इसका नाम है मेमोरी में, तीन इसके अंदर वैल्यू रखी है, उसका एड्रेस में मान लीजिए कुछ 1 2 3 कर देता हूँ, नहीं 3 है 1 2 4 कर देता हूँ। अब मैं इस मेमोरी एड्रेस का या जहां पर आई है, जिसको आई पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस दिखाना चाहता हूँ। तो वो हम सीख चुके, इस आई के आगे एम परसेंट लगा देंगे, एड्रेस ऑफ आई हो जाएगा, परसेंट यू में ले लेंगे तो इसका एड्रेस दिखा देगा, 1 2 4 आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। मैं आई की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ तो परसेंट डी करके आई कर दूंगा, तो ये आई की वैल्यू दिखा देगा कि आई जो है जिसको जिसका जिस मेमोरी लोकेशन पे है उसका उसके अंदर वैल्यू जो रखी है वो 3 रखी है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि एक और तरीका मेरे पास हो जो मैं आई प्रिंट कर सकूं, मतलब मैं 3 प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले एम्परसेंड आई करूंगा, यानी कि अब मेरे पास एड्रेस आ गया आई का, ये एड्रेस ऑफ आई है, उसके ऊपर अगर मैं स्टार लगा दूं तो ये है कि इस एड्रेस पे, एम्परसेंड आई मतलब एड्रेस हो गया ना, इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो ये 3 आ जाएगी आपको, ये 3 आएगी आपको। तो एड्रेस के में तो आपका 65524 जो भी आप ये हर बार बदलेगा, और वैल्यू 3 और इस ये जो स्टार एम्परसेंड आई है ये भी आपको 3 देगा, क्योंकि स्टार का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ और वैल्यू एट, क्या यहाँ पर तो आप एड्रेस ही लिखेंगे ना, क्योंकि वैल्यू एट दिस एड्रेस आपको चाहिए, तो स्टार एम्परसेंड आई भी आपको ये देगा, तो ये आपको वैल्यू दे रहा है। एक और तरीका है इसको करने का, एक और इसका तरीका करने का है, आप क्या कर सकते हैं, एम्परसेंड आई क्योंकि एड्रेस देगा, इसको आप जे में रख लीजिए, अब जे को प्रिंट करा दीजिए। अब जे जो है यहां पर ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अब ये एड्रेस ले रहा है, एड्रेस नॉर्मल वेरिएबल और एड्रेस वेरिएबल अलग अलग होते हैं, तो जब आपने जे को एम्परसेंड आई असाइन किया तो अब जे के पास आई का एड्रेस आया है, मेमोरी लोकेशन का में आई है, ये 3 है, इसका एड्रेस जो होगा वो आया है, राइट। तो जे आपका वेरिएबल है, उसको भी जगह मिलेगी, और वो जे वेरिएबल अब मतलब वो मेमोरी में ऐसे रहेगा, जे वेरिएबल होगा, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, इसका एड्रेस, ये जो एड्रेस है ना, मान लीजिए 1 2 4 था, वो यहां पर आ जाएगा, 1 2 4 रखा जाएगा उसमें, ये ऐसे होगा। तो फिर से समझिए कि हमारे पास आई था जिसके अंदर 3 वैल्यू थी और इसका एड्रेस ये था, हमने क्या किया, आई का एड्रेस लिया और जे को असाइन कर दिया, तो जे भी एक मेमोरी लोकेशन में रहेगा और जे के अंदर आई का एड्रेस है, यानी कि ये आई का एड्रेस है ना, ये इसके अंदर जाएगा, और इसका आपका खुद का कोई एड्रेस होगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन में रखेंगे, इसका खुद का कोई एड्रेस होगा। आई की 3 वैल्यू है, जे के पास आई का एड्रेस है, बट जे को हम ऐसे तो बना नहीं सकते, जे तो अभी बना ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं जे के अंदर किसी का एड्रेस है, जब कोई भी वेरिएबल किसी का एड्रेस रखने लगता है तभी वो पॉइंटर हो जाता है, तभी उसे पॉइंटर कहते हैं। तो आप जे को आप इंट जे नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी आपको करना पड़ेगा इंट पॉइंटर जे। अब ये पॉइंटर जो है ना स्टार जे, इसका मतलब ये है कि नाउ जे विल ओनली होल्ड द एड्रेस, जे अब एड्रेस होल्ड करेगा, जे अब कोई वेरिएबल नहीं है होल्ड करेगा, ये एड्रेस करेगा, क्या करेगा, एड्रेस। तो जे पॉइंट कर रहा है आपके उस, जे पॉइंट कर रहा है उस इंटीजर को जिसका एड्रेस इसने रखा हुआ है। तो इंट स्टार जे का मतलब ये हुआ होता है, स्टार का मतलब ये होगा, जैसे मैंने कहा स्टार मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस दिस, तो इस एड्रेस पे, यानी कि इसका एड्रेस क्या है, कुछ और होगा, जैसे 1 2 4 रखा था ना, 823 कर लीजिए, इस एड्रेस पे, इसके एड्रेस पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 1 2 4, ये तो हम चल रहे हैं, तो ये आई का एड्रेस रखता है। तो वैल्यू स्टार का मतलब आप समझ लीजिए, बस स्टार जैसे ही आपके दिमाग में आया समझ लीजिएगा कि ये है वैल्यू एट एड्रेस। तो इन स्टार जे का मतलब होता है वैल्यू एट द एड्रेस कंटेन्ड इन जे विच इज एन इंटीजर, वैल्यू वो वैल्यू उस एड्रेस पे जो जे में रखी हुई है। इसको और थोड़ा सा प्रोग्राम के तहत समझाता हूं, आप देखें बहुत ध्यान से देखिए, सारी चीज इसमें दे दी गई है, आपने कहा आई 3 है और आपने कहा इंट स्टार जे, आई वेरिएबल है और जे पॉइंटर है, जे वेरिएबल तो है लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है, जे अब नॉर्मल वैल्यू रखने में सक्षम नहीं है, जे में नॉर्मल वैल्यू आप नहीं रख सकते, क्योंकि स्टार जे का मतलब ये होता है कि ये पॉइंटर है, अब इसमें केवल आप एड्रेस रख सकते हैं, और एड्रेस मैंने बताया आपको अनसाइन होता है, यानी कि हेक्साडेसिमल में होता है मेमोरी में, और वो वेरिएबल से बिल्कुल अलग होता है, वो नंबर ही होगा लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइप की चीज होती है, अलग होती है ना। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा आई इक्वल टू 3, अब आप एड्रेस ऑफ जब आई देंगे
तो इसको रखने के लिए आपके पास नॉर्मल वेरिएबल काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको पॉइंटर देना पड़ेगा क्योंकि अब इसका एड्रेस रखना चाहते हैं। वो वेरिएबल जो एड्रेस रखने में सक्षम है तो हमारे पास कौन सा, यही तो सक्षम है, ये और कुछ तो रख नहीं सकता, ये एड्रेस रख सकता है। तो आप जब जब जे को असाइन करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जे में आप एंड परसेंट आई असाइन कर रहे हैं, यानी आई का एड्रेस, एड्रेस ऑफ आई, ये जे में चला जाएगा, तो जे के पास एड्रेस आ गया। तो अब देखिए एड्रेस ऑफ आई मतलब एम परसेंट आई जब करेंगे, इसका एड्रेस आपको अगर चाहिए तो ये मिल जाएगा। उसके बाद आप जे का एड्रेस पता करेंगे तो जे का एड्रेस ऑफ आई, और यहां पर आप जे कर रहे हैं तो जे में ही तो एड्रेस ऑफ आई दे रहे हैं ना, और जे जो है वो आप अपने आप में एड्रेस ही तो रख रहा है, तो जे के अंदर का कॉन्टेंट आपका क्या होगा, वही आई का एड्रेस होगा। तो यही चीज दोबारा आ जाएगी, यही चीज दोबारा आ जाएगी। अब अगर आप जे का एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आई के अंदर एक तीन था, जे के अंदर इसका एड्रेस यानी 1 2 4 है, और जे का खुद एड्रेस होगा मान लीजिए 8 2 3 है। तो जब जे का एड्रेस प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो 8 2 3 आएगा, तो इसका अपना कोई एड्रेस होगा, जैसे 6 5 5 2 2 यहां पर आया हुआ है, राइट। उसके बाद आप जब जे प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, जे तो सिंपल, जे का मतलब ये है कि जे के अंदर 1 2 4 वैल्यू है तो 1 2 4 कर देगा, यानी कि इसका एड्रेस ये चीज प्रिंट कर देगा। आई प्रिंट कराएंगे तो आई 3 आ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप जब एम्परसेंड आई स्टार करेंगे, यानी एड्रेस ऑफ आई, वहां पर कौन सी वैल्यू है, स्टार मतलब है वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो आई के एड्रेस पे यानी 1 2 4 पे कौन सी वैल्यू है, 3, तो 3 आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर आपने कहा स्टार जे, जे जो एड्रेस वेरिएबल है यानी पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है 1 2 4, कौन सी वैल्यू है, सॉरी ये जो है 1 2 4, जे जो है एड्रेस है, ये एड्रेस ही रख सकता है, ये एड्रेस, इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, 3, तो 3 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें हमने बहुत सारी चीज देखी, एम परसेंट आई, एम परसेंट जे, स्टार जे, स्टार एम परसेंट आई, आप देख पा रहे होंगे इसमें बेसिक चीज यही है कि जो एम परसेंट और स्टार के कॉम्बिनेशन है वही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास डिक्लेरेशन कुछ इस हिसाब के हैं, हमने इन स्टार अल्फा किया, कैर स्टार सी एच किया, अफ्लोट स्टार एस किया, इसका मतलब अल्फा अब इंटीजर क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल, सी एच पॉइंटर वेरिएबल है जो कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, एस आपका पॉइंटर है जो आपको फ्लोट को पॉइंट कर रहा है, ये सारे के सारे इस तरीके से रहेंगे, और ये केवल केवल ये केवल इसी काम के लिए है जो केवल एड्रेस होल्ड कर सकते हैं और कुछ नहीं, इसमें आप नंबर नहीं रख सकते, इसमें नॉर्मल नंबर नहीं रख सकते, इसमें केवल एड्रेसेस आएंगे। आपने जब ये कहा फ्लोट स्टार एस, इसका मतलब ये है कि अब इस ये जो एस है ये पॉइंटर बन चुका है, यानी कि ये जो एस है इसमें आप किसी भी कोई भी एक फ्लोट वैल्यू, इंटीजर फ्लोट वैल्यू का एड्रेस रखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का एड्रेस रखेंगे सिमिलरली कैरेक्टर के लिए। और थोड़ा इसको बढ़ाते हैं आगे, देखिए आप ये भी तो कर सकते हैं कि एक आपने कहा कि एक आई है, मैं इसको इसी एग्जांपल को लेकर चलता हूं, यहां पर समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं आपको, इसको लेकर चलते हैं कि करके आप समझ जाएंगे। एड्रेस और एड्रेस एक्चुअली यहां पर बताना चाहते हैं, स्टार स्टार बताना चाहते हैं, एड्रेस ऑफ एड्रेस कैसे हो रहा है, ये आई इक्वल टू 3 है, इसका मतलब क्या है, ये आई है, मेमोरी लोकेशन कोई भी हो सकता है, उसमें 3 रखा, मैं इसका जरा रिजल्ट आपको देख लूं यहाँ पर फिर आपको बताता हूँ। देखिए यही हम यूज करते हैं 6 5 5 2 4, 6 5 5 2 2 और 6 5 5 2 0 ऐसे रखते हैं, चलिए 6 5 5 2 4 इसका एड्रेस है 6 5 5 2 4। अब यहां पर आपने बनाया जे, और जे में क्या लिखा, आई का एड्रेस, आई का एड्रेस क्या है, यहां पर आ जाएगा 6 5 5 2 4, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा तो 6 5 5 2 2 कर दीजिए इसको, मान लीजिए एड्रेस। अब आपने क्या किया, इसका एड्रेस जे का एड्रेस के को असाइन कर दिया, तो अब के भी बनेगा, जे का एड्रेस यानी कि 6 5 5 2 2 यहां आएगा 2 2, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा 6 5 5 2 0 मान लीजिए, ऐसे ना दो 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 इसलिए करें क्योंकि इंटीजर है, दो दो बाइट के हिसाब से इसको डिफरेंस दे रहे हैं एक सिंबॉलिक तरीके से। अब देखिए अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमने अगर हम मान लीजिए स्टार और स्टार के करें, जब स्टार जे करेंगे जो वैल्यू स्टार जे करेंगे इसका मतलब ये है वैल्यू एट जे, यानी कि वैल्यू विच इज पॉइंटेड बाय जे, वैल्यू एट 6 5 5 2 4 ये एड्रेस है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, इसकी ये 3 को पॉइंट कर रहा है, तो 3 आएगा।
अब स्टार स्टार के मतलब ये है कि पहले तो स्टार स्टार के में एक स्टार के देखिए, स्टार के क्या है, इसके पास क्या है 6522, ये इसको पॉइंट कर रहा है। दूसरा स्टार लगाएंगे मतलब ये इसके बारे में बात करिए, ये किसको पॉइंट कर रहा है, तीन को। तो स्टार स्टार के आपको तीन वैल्यू देगा, यानी एड्रेस ऑफ के जिसे स्टोर कर रहा है वो एड्रेस है, वो एड्रेस जो स्टोर कर रहा है वो किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है या उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो यहां पर ये जो अलग अलग चीजें हैं इसमें सबसे पहले आप ये वाला देखते हैं ये तीनों, फिर आप मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर आपको एम्परसेंड आई मतलब आई का एड्रेस, ये आपका 65524 आ जाएगा। जे आप कर रहे हैं क्योंकि जे सिंपली एड्रेस है, तो आपको 65 इसका जे जो वैल्यू देगी एड्रेस ऑफ आई ये आपको जे दे देगा, तो जे बेसिकली 65 इसकी वैल्यू है 65524, तो ये भी 65524 ये भी 65524। स्टार के मतलब क्या होता है, स्टार के मतलब जो के है वैल्यू एट के, तो ये 65522 है, तो यहां पर 655 वैल्यू एट आई, सॉरी जो एड्रेस ऑफ आई है, एड्रेस ऑफ आई है, एड्रेस ऑफ आई है, तीनों पॉइंट पे चाहे एड्रेस ऑफ आई आई करे, चाहे जे करे, चाहे स्टार करें, स्टार के करें, देखिएगा ये के है। अब वैल्यू एट के, के का क्या है, के पास क्या वैल्यू है, के तो एड्रेस रखता है, तो ये 65524 पे कौन सी वैल्यू है 65524, तो यहां पर तीनों ही जगह पे 65524 आएगा, ये तीनों हो गया। अब देखिएगा एम पर्सन जे, जे का एड्रेस क्या है, अभी अभी आपने देखा जे का एड्रेस क्या है 65522। अब एड्रेस ऑफ जे क्या है, के अगर करेंगे क्योंकि के अब वैल्यू है और के में कौन सी वैल्यू है 65522। इसी तरीके से एम पर्सन के जब करेंगे तो वो के का एड्रेस बताएगा, तो के का एड्रेस जो है 65520 था। अब वैल्यू ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या आएगी, जे में आई के का एड्रेस रखा हुआ यानी 65524 रखा हुआ, तो 65524 आ जाएगा। के क्या है, के है वैल्यू ऑफ के पास जे की वैल्यू है, जे के एड्रेस की वैल्यू है, तो 65522। अब अगर आपको वैल्यू आई की प्रिंट करनी है तो आई करेंगे तो सीधा तीन आएगी। अब जब आप एड्रेस ऑफ आई इस पे कौन सी वैल्यू रखी है वो भी आपकी तीन आएगी। अब जब आप करेंगे स्टार जे, स्टार जे का मतलब ये है वैल्यू विच इज पॉइंटेड बाय जे, जे किसको पॉइंट कर रहा है तीन को, ये हो जाएगा। स्टार स्टार के वैल्यू ऑफ के मतलब के का जो के अंदर जो कॉन्टेंट है उस पर जाइए, के अंदर कॉन्टेंट क्या है जे का एड्रेस। अब जे के एड्रेस पे जाइए और जे के एड्रेस पे जे के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसको देखिए वो किसको एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है तीन को, तो यहां पर भी तीन आएगा। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि कैसे काम कर रही है। मैं फिर से आप इसी को डायग्राम को बताता हूं, जो आई है उसमें तीन वैल्यू रखी है, इसका ये एड्रेस है जे के पास, क्योंकि जे के पास एड्रेस है आई का तो वो यहां जाएगा और इसका खुद का एड्रेस होगा। अब के पास एड्रेस है जे का तो इसका एड्रेस यहां जाएगा, इसका खुद का एड्रेस होगा। तो जब हम स्टार स्टार के करेंगे, जब स्टार जे करेंगे तब तो ये तीन दिखाएगा, जब स्टार स्टार के करेंगे तो वो यहां पर जाएगा और ये देखेगा कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब डबल डिफरेंसिंग हो रही है इसमें।